अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मन चाहा। अब के हम पिछड़े। कल तक का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, मेरी रकम लौटा दें वरना जो कुछ आपके साथ होगा ना उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अब आराम कहाँ, तो तुम्हारे अब्बा को अपनी आंखों से नहीं देखूंगी, ना मुझे आराम आएगा ना ही नींद आएगी। अरे अम्मी आप परेशान क्यों हो रही है, मैं सारी रात जाग तो रहा हूँ ना और मेरा फोन भी ऑन है। जिस तरह आप मजबूर हैं। इसी तरह मैं भी मजबूर हूं। जी अब्बा किधर हैं आप? हाँ जी बेटा मैं जरा बिजी हूँ, तुम अरुषा से बात करो। अरुषा तुम हो यार, मैं समझा अब्बा है, जब भी बिना देखे मैंने फोन उठा लिया। क्यों खैरियत, तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ लेकिन अब्बा का नहीं पता कि वो कहाँ है, अभी तक घर पे नहीं आए यार। हाँ जी तुम फिक्र नहीं करो, आ जाएंगे बाबा। हाँ मगर अरुषा इतना टाइम हो गया है, कहाँ होंगे इस वक्त वो? अब तक घर पे लौट कर नहीं आए और इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। मिस तो मैं भी मॉम को कर रही हूँ। तो तुम्हारी मामा कहाँ पर है? मॉम इस्लामाबाद गई है नानों से मिलने। तुम्हें पता है हादी, जब मॉम डैड लड़ते हैं ना तो मेरा दिल करता है कि बस घर में कोई भी ना हो और सिर्फ खामोशी हो, लेकिन अब क्योंकि मॉम घर पे नहीं है तो मैं उन्हें इतना मिस कर रही हूँ। मॉम डैड ड्रेसिंग होते हैं ना, उनके बगैर घर घर नहीं लगता, वीराना लगता। हाँ बाकी तुम सच कह रही हो रोसा, पहली बार अब्बा के दूर होने का एहसास बढ़ गया है। पता नहीं अब्बा इस वक्त कहाँ पर होंगे। ठीक होंगे, कुछ नहीं होगा अंकल को, अब जब वो घर आएंगे ना तो उनसे खफा हो जाना और कहना कि बिना बताए बगैर कहाँ गए थे। ओके ओके बाबा, लेकिन तुम बताओ तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? बस कुछ ऐसा देखा तो तुम्हारी याद आ गई तो सोचा तुमसे बात कर लूं। लेकिन तुम तो परेशान हो ना। तुम्हारा फोन करना मुझे अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे 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 किसी वीरानी में चुपके से बाहर आ जाए। बाहर, वो भी इतनी रात को। वैसे तुम्हारे पास से मोहब्बत की खुशबू आ रही हो रूसा। सफर यूं कटेगा कि मंजिल न होगी सजन, सफर यूं कटेगा
कि मंजिल न होगी सजन कहीं दिल को राहत भी हासिल न होगी सजन अब के हम कैसी हो तमसील? सांस ले रही हूं, अभी तक जान नहीं निकली मेरी। ऐसी बातें मत करो, जीना और मुश्किल हो जाएगा। और मेरा जब्त टूट जाएगा। और मेरा सब तमसील, तुम परेशान मत, वो एक तो दिन में तुम्हें तलाक दे देगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। हम सब दोबारा से एक हो जाएंगे, मैं, तुम और अरुष। उमर तो क्या बदतमीजी है? आपने मेरे हाथ से मेरा फोन क्यों छीना? आपको पता है ना कि मैं उमर से बात कर रही हूं। कौन उमर? वो मेरा मतलब है, मतलब आपका सबका शोर। जब तक आप मेरे निकाह में हैं, किसी नामहरम से बात करने का क्या मतलब है? ये मेरा ऑर्डर है कि अब के बाद तुम उमर से कोई बात नहीं करोगी, आए समझ? आप होते कौन है मुझ पे हक जताने वाले? मैं आपका शोहर। देखिए मिस्टर, मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलिएगा। ये मत भूलिए कि हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट मैनेज हुई है, वो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से। मैं अपनी हद ही बता रहा हूं, और एक शोहर की क्या हद होती है ये आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक शोहर की मालिका पहले रह चुकी हैं और दूसरा शोहर आपके सामने हाजिर। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं अभी उमर को बुलाती हूँ, वो आपको सीधा करेगा। किस हक से बुलाएंगी आप उमर को यहाँ? हमारे कानून में किसी मिस्टर एक्स की कोई गुंजाइश नहीं है, सीधा जेल होगी मिस्टर एक्स को। और कितने अरसे की ये मैं नहीं जानता। आप धमकी दे रहे मुझे? 2 दिन की शादी ही है, 2 दिन के बाद तलाक हो जाएगी। ज्यादा रोक जमाने की जरूरत नहीं मुझ पे। कॉन्ट्रैक्ट हुई हो जैसे भी हुई हो, आप मेरे निकाह में हैं, आप पे मेरा ये हक है कि जब तक आप मेरे साथ हैं, मेरे हुक्म की पाबंद हैं आप। और हां, यूं बेहिजाब नहीं फिरेंगी आप, दुपट्टा संभाल लीजिए, लीजिए प्लीज। ऐसे शाबाश, हमारी औरतें पर्दा करती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप बार बार ये बात दोहराने की सहमत नहीं देंगी मुझे। नाश्ता लाया हूं, कर लीजिएगा।
हादी, तुम्हारे अब्बा की कोई खैर खबर नहीं आई। बेटा ऐसा करो, अस्पतालों से मालूम करो। अरे अम्मा, आप ऐसा मत सोचिए, अब्बा ठीक होंगे, आप फिक्र मत करें। रात से तुम मुझे ऐसे तसल्लियां दे रहे हो, मान ली मैंने तुम्हारी बात। कहाँ है तुम्हारे अब्बा? जरूर उन्हें कुछ ना कुछ हो गया है, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात भर घर ना आए। अम्मी, अब्बू को कुछ नहीं हुआ होगा, अल्लाह पे यकीन रखें। और वैसे भी आपके ब्लड प्रेशर की दवाइयों का वक्त हो गया है, कुछ हल्का फुल्का खा लें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जहर ला दो मुझे, इस उम्र में मैं कोई गम नहीं देखना चाह रही। अम्मी हौसला रखें। नानी अब इस वक्त कहाँ पर होंगे? आप रात भर कहाँ थे? और ये सब? ओ, मोहसिन भाई है ना, उनके बेटे की शादी थी, दोस्तों ने बहुत इसरार किया तो मेहंदी लगा दी। वृदा चाय ले आओ कमरे। मैं सुबह तमसील से बात कर रहा था, अचानक से फोन कट हो गया। उस वक्त से फोन बंद है, मैं मुसलसल कॉल कर रहा हूँ लेकिन फोन अभी तक ऑन नहीं हुआ है। अल्लाह खैर करे तमसील खैरियत से हो। तुमने खुद जाके वहां देखा है? नहीं, क्या मुझे वहां जाना चाहिए था? मैं हसन से खुद बात कर। शर जो भी कर रहे हैं ना जल्दी कर, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। होने लगा, चलो फिर उठो वहां चलकर देखते हैं यार। अच्छा तुम फिक्र ना करो, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आखिर वो किसी की बीवी है और वो उसका शौहर है। अरे यार टेम्पररी तौर पर उसके निकाह में है, बहुत जल्द तलाक होने वाली है उन दोनों के बीच में, सोच समझ के बात किया करो जावेद। पता नहीं क्या सलूक कर रहा होगा वो तमसील के साथ, और तुम मुझे बता रहे हो कि वो उसका शौहर है। अभी समझदार खातों में वो हैंडल कर लेगी। क्या हैंडल कर लेगी यार, एक फोन तक तो उठा नहीं पा रही है वो, पता नहीं क्या किया होगा उसने उसके साथ। अच्छा अच्छा मैं करता हूँ, तू फिक्र ना करो। या जावेद जो करना है जल्दी करो, उससे कहो कि मेरी जल्द अज जल्द तमसील से बात करवाए, अगर उसने ऐसा नहीं किया ना तो जो अंजाम होगा ना उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अच्छा तू रिलैक्स कर यार, रिलैक्स कर। हेलो जी, चेयरमैन साहब से बात कर रहा है, ऑफिस आए हैं आज? उनका सर में फोन नहीं लग रहा है। हाँ हाँ जरूरी काम है लेकिन इतना भी नहीं। अच्छा मैं इंतजार कर लूँ, शुक्रिया। मुझे पहले ही इस आदमी की नीयत पर शक था,
और अभिषेक यकीन में बदल गया। कहाँ हो उमर तुम, कहाँ हो? प्लीज मुझे इस मुश्किल से निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरा दम घुट रहा है, यहाँ बहुत तन्हाई है, सबसे बढ़कर वो इंसान पता नहीं मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। इससे पहले कि मैं मर जाऊं, प्लीज होगा मुझे आके बचा लो। जावेद जी सब क्या हो रहा है यार, फोन बंद, घर पे ताला लगा हुआ है, और वो तुम्हारे शरीफ इंसान चेयरमैन साहब। यार जावेद, मैंने कहीं तुम पे भरोसा करके तमसील को किसी गलत इंसान के हवाले तो नहीं कर दिया? क्या कह रहे हो कि वो अपार्टमेंट में नहीं है? तूने खुद जाके देखा है? और नहीं तो क्या यार, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं खुद गया था वहां पे, ताला लगा हुआ है। सर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। मैंने तो वो बंद दरवाजे को खटखटाया भी सही, आसपास भी उसके कोई नहीं था। अच्छा परेशान ना हो। यार कैसे परेशान ना हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तमसील अब मेरी वजह से मजीद कितनी परेशानियां उठाएगी। वो तो पहले ही राजी नहीं थी इस निकाह के लिए, पता नहीं क्या होगा यार। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ, मैं उसके सर्कल में मालूम करता हूँ, शायद कोई खबर मिल जाए। यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि चेयरमैन ने हमें धोखा दिया हो, तमसील को लेकर उसकी नीयत बदल गई हो और वो उसको लेकर कहीं गायब हो गया हो? भाभी कोई बच्ची नहीं है, ऐसे कोई जबरदस्ती कैसे कर सकता है? कोई और बात होगी, मैं पता लगा। यार क्या खाक जबरदस्ती नहीं कर सकता, एक फोन तक तो उठा नहीं पा रही है वो, पता नहीं किस हाल में होगी। तुम परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ, और प्लीज रिलैक्स। यार तुम कब कुछ करोगे, सुबह से लेकर ये टाइम आ गया है, तुम मुझे सिर्फ ये कह रहे हो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, इसका पता करूंगा उसका पता करूंगा। कब करोगे मेरे भाई, जब तमसीन को लेकर कोई बुरी खबर आएगी? यार मुझे तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए, मेरी गलती है, पता नहीं तमसील कहां होगी और किस हाल में होगी। हाँ ये मेरे सर की फसल, कहाँ थे आप रात भर? जब से आए ना कुछ खाया ना पिया, ना किसी से बातचीत की, सब ठीक तो है ना एहसन साहब? बताऊँ आपको अपनी परेशान, क्या करेंगी आप मेरी परेशान भैया? क्या मतलब क्या करूंगी, मैं आपकी बेवी हूँ, मियाँ बेबी एक दूसरे का लिबास होते हैं, मुझे पता होना चाहिए मेरा शोहर क्यों परेशान है, इतना परेशान के रात भर घर नहीं आया, आखिर हुआ क्या है ऐसा साहब? मुझे तो लगता है मैं आपको जानती ही नहीं हूँ, इससे पहले क्या हमने दुख सुख शेयर नहीं किए? अब ऐसी कौन सी बात हो गई है, कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई है जो आप मुझे बता भी नहीं पा रहे? बताने को कुछ ऐसा है ही नहीं। आप सच कह रहे हैं ना? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर बताइए कहाँ थे आप रात भर? वो एक दोस्त के पास था, उसकी परेशानी दूर करने की कोशिश कर रहा था। किसकी कॉलर? कोई खास नहीं है। उठा लीजिए ना, क्या पता कोई जरूरी बात हो। अब इस वक्त आपसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कोई नहीं, आपने जो कहना है जो पूछना है पूछिए, मैं किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता।
हाँ यार, आज ही आए हैं, शुक्र है आ गए, सुबह ही आए हैं बल्कि। तो उन्होंने बताया ना कि वो कहाँ से रात भर? नहीं, जब से आए हैं बस कमरे में खुद को बंद करके रखा हुआ है। अम्मी और हादी भाई पूछ पूछ के थक गए, लेकिन वो है कि बस चुप, कुछ बता ही नहीं रहे। खैर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची? हादी भाई ने मुझे बताया, वैसे मुझे उम्मीद थी कि तुम बताओगी, लेकिन बड़ी बेवफा निकली तो। लेकिन कुछ बताने का था ही नहीं। अच्छा जी, तो दोस्त से अब राजदारी? लेकिन ये सोच लो कि इस घर में तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा मैं ही हूँ। कैसे सहारा? कैसे? तुम्हें नहीं पता नंदे कैसी होती है? अगर नंद से दोस्ती हो जाए तो जिंदगी सवर जाती है, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और नंदे तो भाभी की चीजों पे हक भी जमा जाती है। मैं तो डर गई, लेकिन तुम तो ये जानती हो ना कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ, लेकिन कभी गुरु नहीं किया, लेकिन हाँ हमेशा पहला राइट मेरा ही होगा। कोर्स तुम्हारा ही रहेगा। अच्छा ये बताओ कि हादी भाई ने कोई गिफ्ट विफ्ट दिया या फिर बस खाला खुली? हाँ, अच्छा जी, हमें बताया भी नहीं जा रहा। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहा क्या? यार रिंग जा रही है लेकिन लाइन कट कर रहा है। जावेद, आखिर क्या वजह हो सकती है हसन के इस अमल की? तुम तो कह रहे थे कि वो शरीफ आदमी है, हमें कभी धोखा नहीं देगा, वो तो सिरे से गायब ही हो गया है। मेरे ख्याल में हमें मजीद लेट नहीं करना चाहिए, हमें हसन के घर जाना चाहिए। घर नहीं यार, थोड़ा सब्र करना चाहिए। यार सुबह से तमसील का कुछ पता नहीं और ना ही तुम्हारे उस चेयरमैन का, और तुम मुझे सब्र की तलकीन दे रहे हो। मुझे तो उस हसन पे ना शुरू से यकीन नहीं था, उसकी नीयत शुरू से खराब थी। अरे नहीं यार, ऐसी बातें ना कर, बहुत अच्छा। और कैसी बातें करूं, मुझे तो लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। क्या पागल हो, कैसी बातें कर रहा है? मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा है सिवाय इसके कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूं। क्या कहोगे पुलिस से कि अपनी साबका बीवी का हलाला करवा रहे और उसका मौजूदा शौहर उसको लेके भाग गया? वो मेरी बेटी की माँ है, मैं कह दूंगा कि वो मिसिंग है। और इस तरह से ये बात रूसे तक पहुंच जाएगी कि उसके मामा पापा की तलाक हो चुकी है, कुछ अकल से काम ले। नहीं काम लेना मुझे अकल से, मेरा जहन मोफ होकर रह गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कुछ नहीं सूझ रहा मुझे। मुझे सिर्फ एक आखिरी हल नजर आ रहा है, मुझे कि हम अभी उठे और एहसन के घर जाए। क्या हुआ अम्मी, आप कुछ परेशान से लग रही हैं? अब तो अब्बा भी खैर खैरियत से घर पर आ चुके हैं। हादी, तुम्हारे अब्बा किसी बहुत बड़ी मुश्किल में, जब से आए बिल्कुल गुमसुम से है, सिर्फ गहरी सोच में। अरे अम्मी, आपको पता तो है अब वो हमें से किसी को कोई भी बात कहाँ बताते हैं, कोई होगा ऑफिस का मसला। देखिए अम्मी, वो बस हमें परेशान नहीं देखना चाहते, और वैसे भी अगर कोई बड़ी बात होती तो वो हमें साफ साफ बता देते ना। हादी, मैंने एक बात नोट की है, जब से वो आए ना बार बार किसी की कॉल आ रही है, और वो उस कॉल की वजह से बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने कहा भी कि उठा ले, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं की। तो ये ऐसा तो नहीं है कि? अरे अरे अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। और आपने खुद कहा था ना कि ज़्यादा सोचने से तबीयत ख़राब हो जाती है ना, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी तबीयत फौरन ख़राब हो जाती है। अम्मी आप एक काम करिए, आज कुछ अच्छा सा बना लीजिए हमारे लिए और अब्बू के लिए, और कल रात की कोफ भी ख़त्म हो जाएगी। अरे तुम कह रहे हो तो मैं कुछ बना लेती हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है ना कुछ उलट पुलट सा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं अम्मी, हमारे लिए, अब्बू के लिए। अच्छा फिर मैं ऐसा करती हूँ, पकौड़े बना लेती हूँ, सैंडविच और खीर, तुम्हारे अब्बा को पसंद है ना? परफेक्ट, ठीक हो गया अम्मी। हादी, ये तो बाहर के गेट की आवाज है ना, कौन गया होगा बाहर?
विदा तो कॉलेज गई है। देखा आदि, तुम्हारे अब्बा फिर बिना बताए बाहर निकल गए, पता नहीं किस चक्कर में। एक काम करो, तुम अपने अब्बा का पीछा करो, देखो क्या बात है। पीछा? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर अब्बू को पता चल गया ना तो और मसले खड़े हो जाएंगे। अम्मी आप अब्बू को अच्छे से जानती हैं, वो अपने मामलात में किसी की मुदाखलत नहीं पसंद करते। हादी जो मैं कह रही हूँ ना, वो जरा ध्यान से सुनो, मेरा और उनका 30 बरस का साथ है, उनके रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारे अब्बा ठीक नहीं है, कोई बात कोई चीज उनको बहुत परेशान कर रही है। ठीक है, अगर ऐसी कोई बात है ना अम्मी, तो हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, अब वो हमें खुद बता देंगे। ये क्या तरीका है? आप मुझे घर में बंद करके चले गए थे, मैं क्या कोई कैदी हूं? कान खोल के सुन ले, मैं इस थाना कैद में नहीं रह सकती और मुझे इस थाना की जबरदस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा फोन दे, मुझे उमर से बात करनी है। एक दफा की बात समझ नहीं आती आपको, आजाद आप उस घर में थी, यहां नहीं। पर हां, आजाद औरतें मुझे अच्छी नहीं लगती। देखिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी ऐसी पड़ा, जिद ना करें, चलें कुछ खा। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तलाक दे और यहां से रवाना करें। तलाक तो मैं आपको नहीं दूंगा, ये गुमान तो आप अपने दिल से निकाल दीजिए। क्या कहा, तलाक नहीं देंगे? ये शादी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हुई थी, राइट? राइट। अब तलाक क्यों नहीं होगी, क्या मतलब समझू इस बात का? कल आपका इरादा कुछ और था, आज कुछ और। दरअसल आपकी खूबसूरती पे फिदा हो गया हूं मैं। दिल किसी सूरत नहीं मानता कि छोड़ दूं आपको। खुद को देखा है आपने? शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते पे? हाँ, लेकिन जो भी कहा मैंने, कहा तो अपनी बीवी से। औकात देखी अपनी, चले मुझे अपनी बीवी का दर्जा देने। आप जैसे 10 नौकर काम करते मेरे घर में, इसीलिए इतना गुरूर है आपको। खैर, फिक्र ना कीजिए, बहुत जल्दी खुमार भी उतर जाएगा। उमर, तमसीन, 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 तुम कहाँ हो? उमर बात सुनो, इसने मुझे कैद कर लिया है, मुझे आके बचा लो प्लीज। प्लीज बचा लो, सुबह से मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया है और ये कह रहे ये मुझे तलाक नहीं देगा। तलाक नहीं देगा? उमर, तमसीन, तमसीन क्या हुआ है? तमसीन, तमसीन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तमसीन, ऐसे अगर तमसीन को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें से नहीं छोड़ूंगा। तमसीन, तमसीन, शर्त तमसीन कोई जवाब नहीं दे रही है, मुझे लगता है उसे कुछ हो गया है, हमें वहां जाना चाहिए। उमर, अरे यार उमर, आंखें खोले, होश में तमसीन, उठे,
तमसील क्या हुआ आपको? चलें, तैयार हो जाए। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। देखिए जिद ना करें, आपकी तबीयत वाकई खराब है और बहसियत शोहर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने फराइज अदा करूं। मैं आपको अपना शोहर नहीं मानती। ना मानने से दिन रात नहीं बन जाता। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। आप मेरी बीवी हैं, शरई और कानूनी दोनों तौर पे। जिद ना करें। इसी तरह यहां से निकलो, शायद फरार होने का मौका मिल जाए। अरे इस तरह जाएंगे आप? क्यों, इसमें क्या हर्ज है? मुझे पता था कि आपके पास हिजाब का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, इसलिए खुद ही कर लिया मैंने। ये क्या लिया है? अब आया। मैं ये नहीं पहनूंगी। बेहिजाबी की इजाजत मैं अपनी बीवी को नहीं दे सकता। खुदा के लिए बस करें, बीवी बीवी की रट लगाई हुई है। हेलो आदि, कैसे आना हुआ? यार वो बस तुझसे कुछ पैसा उधार लिया था ना, बस वही लौटाने के लिए। यार बाद में लौटा देता, इतनी जल्दी किस बात की थी? नहीं यार, लौटाने तो थे ना, तो बस अरे यार आदि, ये तो तेरे अब्बा है ना? यहाँ वो कैसे हो सकता है? ये तो तू अब्बा से ही पूछ ना। नहीं यार, कोई गलतफहमी हुई होगी, अब्बा यहाँ पे हरगिज़ नहीं हो सकते। चल मैं चलता हूँ। यार अभी तो आया था, इतनी जल्दी? नहीं यार, वो कुछ जरूरी काम याद आ गया, क्योंकि अब्बा का जिक्र किया ना, तो बस होने का कोई काम याद आ गया। चलता हूँ मैं। चलो मिलते हैं फिर। आपका फोन तो यहाँ रखा है, ये किसका फोन बज रहा है? ये तो लाल फोन है, ये किसका है? ये लाए दिखाए ना किसका फोन है।
या आपका तो नहीं हो सकता। अब शब्बीर भाई का शायद उठा लाया हूं मैं, खैर कोई मसला नहीं, सुबह मैं वापस कर दूंगा। तो भाई इतनी देर से आया हूं मैं, ना कोई खाने का पूछा ना चाय का आपने। मैंने सोच लिया, आपसे मैं आपका खाने पे इंतजार नहीं करूंगी, ना आपसे आने का पूछूंगी ना जाने का, अब बिल्कुल चुप रहा करूंगी। अब आपकी जो मर्जी है ना वो करें, हलीमा अब आपसे नहीं बोलने वाली। ऐसे क्या खता हो गए हमसे कि आप हमसे इतनी नाला हैं? ये तो आप अपने आप से पूछे जनाब, बच्चे इतना शौक से आपका इंतजार कर रहे थे, मैंने इतने मजे के पकौड़े बनाए थे, आप हम सबको इंतजार करता छोड़ कर ही चले गए। बाबा आप कहाँ थे? ये देखिए मैं कब से मामा को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपकी बात हुई मामा से? आप ठीक तो हैं? आप इस तरह क्यों? मैं अपनी बेटी को प्यार नहीं कर सकता। हाँ कर सकते हैं बाबा, लेकिन क्या हुआ है? सब ठीक है? आपकी मामा से बात हुई? हाँ हो गई है मेरी बात। सुबह करेगी तुमसे बात। थैंक गॉड। पता है मेरा सुबह से दिल बहुत घबरा रहा था, मामा की बहुत याद आ रही थी। बाबा आप मामा से कहें ना कि वो फौरन वापस आ जाए नानू से मिलकर। बेटा आपकी नानू का भी तो हक है आपकी मामा पे। जिस तरह आप अपनी मामा को मिस करती हो इसी तरह वो भी मिस करती होंगी अपनी मामा को। तो अलग बात है कि वो आपसे कहती नहीं है आपका ख्याल रखते हो। लेकिन मैं तो कभी भी आपको और मामा को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। मामा की हिम्मत थी कि वो इस्लामाबाद से कराची आ गए। एक दिन बेटियों को अपने असली घर तो जाना ही होता है, मुझे माँ बाप की जिम्मेदारी भी है। अंबिया कराम ने भी अपनी बेटियों को रुखसत किया, सुन्नत भी है। एक दिन तुम देखना तुम भी खुशी खुशी अपने घर चली जाओगी और वहां जाकर हमें भूल जाओगी। जी नहीं बाबा, मैं आपको और मामा को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली। अगर किसी को आना है तो वो खुद यहां पर आए। अच्छा अच्छा ये बताओ कि सुबह से कुछ खाया भी है या फिर सिर्फ हवा ही पे गुजारा है? नहीं सुबह से तो कुछ नहीं खाया, आपको पता है ना मुझे मेड के हाथ का खाना नहीं पसंद। फिर पिज्जा हो जाए? ऑर्डर कर दो, मुझे भी बहुत भूख लगी। हाँ ठीक है, फिर आज हम पिज्जा खाएंगे और मूवी भी देखेंगे। बेटा तुम कुछ लोगी? सर शाम पास करते। श्योर। थैंक यू। यू वेलकम। आप दोनों कुछ ले क्यों नहीं रहे? क्या बात है, हम तुम्हारी इस खुशी का राज जान सकते? ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ कि आप दोनों ने मेरे लिए ख़ुद को चेंज किया। मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं। आप जानते हैं ना कि आप दोनों मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं।
और मुझे खुशी है इस चीज की कि आप दोनों को ये बात समझ आई। अच्छा फिर सब आप मुझे इस तरह मत देखें और ब्रेकफास्ट करें।